Most welcome all of you. This is Flora Academy and I am JL Batham. Today in this video we are going to study your third chapter taken from Footprint. Your chapter's name is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Your first question is, listen carefully, how did Oswell different from other secret agents? Oswell jo tha anya rahasya mein agent se alag kaise tha? Your answer is Oswell does not appear to be active, क्योंकि Oswell जो था ना तो वो active दिखाई देता था and agile ना ही वो agile दिखाई देता था, as secret agent की तरह चुस्त फुर्त फुर्तीला agent की तरह. Is supposed to be जैसा रहस्यमयी agent के बारे में सोचा जाता था, because क्योंकि he is very fat, क्योंकि वो एक तो बहुत ही मोटा है. His accent is not proper, accent मतलब उसका जो उच्चारण है शब्दों का वो clear नहीं है. दाव हालांकि ही स्पीक्स फ्रेंच, हालांकि वो फ्रेंच बोलता है एंड जर्मन बोलता है. पॉसिबली फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोल लेता था. ही हैज़ नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट, वो हालांकि जो अमेरिकन जो असेंट थे उच्चारण जो था वो पूरी तरह से खोता नहीं था. ही हैज़ ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन, और वो ये बॉस्टन से पेरिस लेकर आया था 20 years ago, 20 साल पहले. ये सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज फाउलर, फाउलर कौन है एंड वट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और उसकी जो पहली ऑथेंटिक थ्रिल मतलब यहाँ पर असली रोमांच से मतलब है. What is his first authentic thrill of the day? मतलब दिन की उसकी जो पहली जो रोमांच है वो क्या है. Answer. Who is Fowler? Fowler is a young and romantic writer है, वो नौजवान और romantic writer है. His first authentic thrill जो है of the day is sudden appearance of the other secret agent. एक रहस्यमयी एजेंट का अचानक से वहाँ पे उपस्थित हो जाना ही उसके लिए एक थ्रिल ऑफ द डे, ऑथेंटिक थ्रिल है उस दिन का. मैक्स, जिसका नाम मैक्स है, विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, जिसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल है इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इन ऑस्बल्स रूम, जो कि एक ऑस्मल के रूम के अंदर पहुँच जाता है. योर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आ गया. मैक्स गॉट इन द रूम ऑफ ऑस्वेल, मैक्स ऑस्वेल के रूम में आ गया विद द हेल्प ऑफ अ पास की, पास की के माध्यम से. पास की मतलब मास्टर की कह सकते हैं, जो सभी तालों को खोलती है. योर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज ऑस्वेल से ही गॉट इन, ऑस्वेल यहाँ पर क्या कहता है कि वो भीतर कैसे घुसा. तो ऑस्वेल सेड दैट, ऑस्वेल ने कहा कि मैक्स मस्ट हैव गॉट इन टू हिज रूम थ्रू द बालकनी, कि मैक्स जो है अवश्य रूप से बालकनी से घुसा है. विच एक्सटेंडेड, जो कि बढ़ी हुई थी, आगे बढ़ी हुई थी उसके बालकनी, अंडर हिज विंडो, मतलब विंडो के नीचे बालकनी आगे बढ़ी हुई थी उस समय, वहीं से वो घुसा है. एंड आफ्टर दैट देर इज सम एडिशनल क्वेश्चंस, आई मीन MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट आई हैव रिमूव्ड 3 options, only given you a right answer. Your first question is how was the corridor of French hotel, French hotel का जो corridor जो था वो किस प्रकार का था. Musty था, गंदा था. Where was the room of Oswell, का room कहाँ था. On the 6th and top floor, छठी मंजिल पर. What was the accent of Oswell, Oswell के accent जो थे, उच्चारण थे वो कौन से थे, American style. How was the figure of Oswell? Oswell का figure कैसा था, fat, मोटा था. What language can Oswell speak? Oswell कौन सी भाषा बोल सकता है, French and German. Who knocked at Oswell's door? Oswell के door पर किसने खटखट की आवाज़ की, Henry ने. Max entered Oswell's room. Max Oswell के room में घुसा कहाँ से, कैसे, with a pass key, मतलब एक master key के माध्यम से. Fowler was a, Fowler कौन था, a romantic writer था. Oswell was a, Oswell कौन था, अ सीक्रेट एजेंट था.
नंबर 10, ऑस्वेल्ड वेंट विद फाउलर टू, ऑस्वेल्ड फाउलर के साथ गया फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था? अ सीक्रेट एजेंट था वो। मैक्स एंटर्ड ऑस्वेल्ड्स रूम, मैक्स ऑस्वेल्ड के रूम में घुसा कहाँ से? एट कब? मिडनाइट में। मैक्स डिसाइडेड टू ड्रॉप एट द बालकोनी, मैक्स ने डिसाइड किया ड्रॉप एट द बालकोनी, बालकोनी पर ड्रॉप करने का, बिकॉज क्योंकि वहाँ से भागने का, निकलने का। बिकॉज पुलिस हैज अराइव्ड, क्योंकि पुलिस पहुँच चुकी थी एट द डोर, दरवाजे पर। 14, ऑस्वेल्ड वॉज गोइंग रिसीव अ रिपोर्ट अबाउट, ऑस्वेल्ड यहाँ पर किस बारे में रिपोर्ट रिसीव करने जा रहा था? सम न्यू मिसाइल्स के बारे में। 15, मैक्स स्क्रीम्ड श्रीली बिकॉज, यहाँ पर जो मैक्स जो था वो स्क्रीम, डर गया श्रीली, क्यों डरा? ही सॉ देर वॉज नो बालकोनी, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं थी, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। वट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? अ पिस्टल थी। ऑस्वेल्ड टोल्ड मैक्स, ऑस्वेल्ड ने मैक्स को कहा दैट ही वॉज क्या? वेटिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, महत्वपूर्ण पेपर की इंतजार करने के लिए बोला अबाउट सम न्यू मिसाइल्स के बारे में। 18, व्हाट स्टोरी ऑस्वेल्ड कनकोटेड, मतलब यहाँ पे ऑस्वेल्ड ने कौन सी कहानी बनाई? देर वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ बालकोनी, कि वहाँ पे बालकोनी की एग्जिस्टेंस है आने जाने की, अंडर द विंडो ऑफ हिज रूम, के विंडो के नीचे, ऐसा उसने बोला। ऑस्वेल्ड आस्क्ड मैक्स टू हाइड इन बालकोनी, ऑस्वेल्ड ने मैक्स से बालकोनी में छुपने के लिए कहा, बिकॉज पुलिस वॉज सर्चिंग हिम, क्योंकि पुलिस उसे तलाश कर रही थी। नेक्स्ट, फॉलर हैड एनविजेंट, फॉलर ने उसे एनविजेंट किया, क्यों? मिस्टीरियस फिगर इन नाइट, क्योंकि एक तरीके से रहस्यमयी फिगर दिखाई दे रहा था नाइट में। द क्रैक ऑफ पिस्टल एंड ड्रग्स, और पिस्टल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एंड ड्रग्स के बारे में भी पता चल रहा था।